और ऐसे में आपकी कार का गियरबॉक्स भी टूट सकता है। दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हैं ड्राइविंग कॉर्नर। और चलिए आज जान लेते हैं गियर के बारे में, गियर को हम कैसे मैनेज करें जब भी हम अपनी कार को ड्राइव कर रहे हैं। तो गियर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास मैनुअल कार होती है, ऑटोमेटिक कार बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो ऑटोमेटिक कार यूज़ कर पाते हैं। तो मैनुअली में हमें गियर मैनेजमेंट करने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। आप अभी देख सकते हैं मैं एक राउंड अबाउट में एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी मेरा थर्ड गियर में हूँ, तो लेन क्लियर है, तो मैं इसी गियर में इसी स्पीड को मेंटेन करके ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरे को स्लो होने की ज़रूरत पड़ रही है, तो गियर डाउन शिफ्ट मैंने किया यहाँ पे क्लच लेके। वही आपने क्लच को बिल्कुल आराम से प्रेस करना है, रिलीज़ कर रहे हैं तो बहुत आराम से करना है, और मतलब क्लच को पूरा प्रेस करें, उसको आधे पे ना करें, वरना आपकी गियर बॉक्स टूट सकती है। आपका गियर बॉक्स बड़े आराम से टूट जाएगा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे। किसी न किसी जगह पर आपको झटके लगेंगे आपकी कार में, और तो गियर बॉक्स इज क्रैक। तो आपने बिल्कुल संभाल के चलाना है। जैसे देखिए, मैं थर्ड गियर यहाँ अप्लाई कर दिया, यहाँ पर थोड़ा थोड़ी डाउन शिफ्ट किया है मैंने सेकेंड गियर में, तो मुझे कार का आरपीएम इंक्रीज करना है, तो मैंने ऐसे डाउन शिफ्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इस कार को एक ओवरटेक करने की कोशिश करूँगा। तो हमने क्या करना है, कोशिश करनी है कि आपकी कार का आरपीएम ज़्यादा रहे अगर आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो आपने पहले से गियर डिसाइड करना है कि आप उस गियर की आखिरी क्षमता में ना हो, ताकि वो आगे पिकअप और ना ले पाए, ऐसा ना हो, और दोनों तरफ ध्यान देकर चलाए, सेफली ड्राइव करें। आप यहाँ पर इस वीडियो में देखें कि मैं कैसे अपने गियर को मैनेज कर रहा हूँ। अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट दोनों कार के इंपॉर्टेंट है। बड़े टाइम से वैसे ही मुझे आपसे बात करनी थी इस चीज़ के बारे में। यहाँ मैंने फोर्थ गियर अप्लाई किया है, तो आप देख सकते हैं फोर्थ गियर अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल गोली की स्पीड में आएंगे तभी हम अप्लाई करेंगे। आप उसको मतलब 50 के करीब या 50 पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कार को स्मूथ ड्राइव करने के लिए आपको ऐसा करना होता है। ठीक है, जैसा कि अभी आप देख सक रहे हैं आप सभी, यहाँ पर मैं अपनी कार का फोर्थ गियर ले लिया दोबारा से, काफ़ी जगह है मेरे सामने। अब जैसे मुझे यहाँ पुल के नीचे से ही यू टर्न करना है, मतलब निकलना है, तो ये ऑटो वाले को मैं बिल्कुल फास्ट ओवरटेक करने की कोशिश करूँगा, ताकि इसकी लेन से पहले मैं क्रॉस कर सकूँ। यहाँ देखिए, रुकने से पहले मैंने क्लच प्रेस किया और अपनी गाड़ी को डाउन शिफ्ट कर दिया है। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है, टर्न से पहले ही अपनी कार को डाउन शिफ्ट कर लेना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप टर्न पर करेंगे तो आपसे मुश्किल आएगी, आप टर्न करने पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे और आपकी गाड़ी कहीं फिर जाएगी, और अगर आप टर्न के बाद करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमेशा टर्न करने से पहले ही अपनी गाड़ी को डाउन शिफ्ट कर ले, एक हाथ स्टीयरिंग पर रखें और दूसरा हाथ गियर लीवर। यहाँ देख सकते हैं मैंने डाउन शिफ्ट किया है, काफ़ी स्लो होने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि ये कम मतलब थोड़े ब्लाइंड तरह के टर्न है जहाँ मुझे ड्राइव करने में प्रॉब्लम होगी। तो आपने भी ध्यान रखना है कि ऐसा आपके साथ ना हो। स्लो कर लीजिए अगर कोई सामने से आ रहा है, क्लच का यूज़ करें, क्लच को और ब्रेक पे पाँव रखिए, एक्सीलेटर से पाँव हटा दीजिए। तो अब यहाँ से बस थोड़ा और आगे है जाना है मेरे को। तो दोस्तों, स्पीड ब्रेकर पे अपने सिर्फ ब्रेक का यूज़ करें, क्लच का भी यूज़ ना करें। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, मेरे गियर के व्यू को देखा, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, वीडियो में कुछ समझ में आया हो अगर आपको कि गियर को कैसे मैनेज करना है, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका बहुत बहुत